हे नमस्कार दोस्तों, मैं सोम, स्वागत करता हूं सभी का अपने YouTube के चैनल पे। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कोटक महिंद्रा बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा हमसे कमेंट्स पूछी गई, कुछ लोग मुझको पर्सनल भी मैसेज करके ये बात पूछे कि उनके पास में DBS बैंक का अकाउंट है लेकिन उसकी इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो DBS बैंक होता है डिजी बैंक, आप लोगों को पता होगा। ये बैंक जो है, अगर आप ATM से काफ़ी पैसे निकालते हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ चार्जेस नहीं देने पड़ते, कुछ इसकी लिमिट नहीं है कि आप महीने में सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन करते हो या 5 कर सकते हो, ऐसा कुछ इनकी लिमिट नहीं है। आप जितने भी मर्जी उतने ट्रांजेक्शन कर सकते हो डिजी बैंक के ATM से जाके। तो ये बैंक खास करके उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जो कि महीने में 4 बार 6 बार 10 बार पैसे निकालते हैं ATM से, उनके लिए काफ़ी अच्छा बैंक है ये। लेकिन इसमें काफ़ी लोग के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट किया जाए और क्या उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ब्रांच में विजिट करना होगा या फिर क्या उसका प्रोसेस है। जी बैंक को DBS बैंक भी बोलते हैं और इसकी जो ब्रांचेस हैं ये काफ़ी कम हैं इंडिया में। फिलहाल ये अभी मेट्रो सिटी में इनके कुछ आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो, कहीं आप बाहर रहते हो, तो वहाँ पर आपको अभी इनकी ब्रांच देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है कि किस तरह से आप डिजी बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, तो मैं यहाँ पे कार्ट में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके वो मेरा वीडियो देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप डिजी बैंक के कैसे आप डिजी बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से मैं यहाँ पे आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप डिजी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्रांच में जाना नहीं होगा या फिर कोई एजेंट से आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना होगा, आप सिंपली अपने कंप्यूटर या फिर अपने फ़ोन से उसके इंटरनेट बैंकिंग को ओपन कर सकते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, तो वो मैं आपको अपने डेस्कटॉप में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से वो काम करने वाला है। और उसमें कुछ नया अकाउंट आपको क्रिएट नहीं करना है, आपका जो एग्जिस्टिंग यूज़र आईडी पासवर्ड है उसी की मदद से वो हो जाएगा। तो पूरी डिटेल मैं आपको अपने कंप्यूटर में दिखाता हूँ कि किस तरह से वहाँ पर ये काम करने वाला है। आपको गूगल में सर्च कर लेना है डीजी बैंक इंटरनेट बैंकिंग। जैसे आप इसको सर्च कर लेंगे, यहाँ पे आपको मोबाइल बैंकिंग या फिर ऑनलाइन कुछ भी अगर आपको दिखता है इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो इस पेज का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली इस पेज तक पहुँच सकते हैं और अपना यूज़र आई डी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन दे रहा है। अभी यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, फॉरगेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड और ई वॉलेट यूज़र, यहाँ पे कन्वर्ट डिजी सेविंग नाउ, तो ये सब करके कुछ ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक कोई ऑप्शन ऐसा प्रॉपर नहीं दिख रहा है कि न्यू यूज़र कैसे रजिस्टर्ड करें इंटरनेट बैंकिंग में, या फिर आप इसके जो बैंक्स हैं वो भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा फीचर हमको लगा डीजी बैंक में वो है ये कि आप जो है जो आप ऐप से जब लॉगिन करते हो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, सेम यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आप यहाँ पे डाल के भी एंटर कर देंगे तो आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे इसके इंटरनेट बैंकिंग में। मतलब कि आपको कोई नया आईडी पासवर्ड नहीं बनाना है, खास करके इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप अपने मोबाइल ऐप के ही आईडी पासवर्ड को डाल सकते हैं। जो डिजी बैंक का जो ऐप होता है जिसमें आप अपने अकाउंट को ओपन किए होंगे, जो आईडी पासवर्ड आप वहां पे डालते हैं सेम आईडी पासवर्ड आप यहां पे डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से ये काम करने वाला है और मैं यहां पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एंटर कर लेता हूं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया, इसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा अकाउंट पूरी तरह से ओपन हो गया है जो मेरे ऐप के अंदर में चलता था डिजी बैंक के। सेम सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रही हैं। जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे तो जो कुछ जो यूज़र इंटरफेस आपको अपने मोबाइल के ऐप में दिखता है वही यहाँ पे वेबसाइट में देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आपके आप कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है कि आपका फ़ोन आपके पास में नहीं है या फिर आपका फ़ोन चेंज करना है आपको, लेकिन आपको लॉगिन करना है डिजी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में, या फिर आपको अपने अकाउंट में जाके कुछ एक्सेस करना है या फिर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो आपको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ आप ऐप में प्रॉपर ये काम कर सकते हो। अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको याद है तो आप डायरेक्टली जाके उनके वेबसाइट में सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हो और सारे बेनिफिट्स वहाँ से ले सकते हो जो आप अपने मोबाइल के ऐप से लेते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वेबसाइट, जो कि आपको अलग से कुछ यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं क्रिएट करना है, आपको सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप जाके अपने सारे काम कर पाएंगे इंटरनेट बैंकिंग के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप DBS बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब अपने नेक्स्ट संडे को Q&A में दे दूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उसका। अगर मुझे कुछ सोल्यूशन पता होगा तो मैं ज़रूर से आपको बता दूंगा, और नहीं तो मैं उस पर कुछ रिसर्च करके आपको बता दूंगा कि क्यों आपको ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ अगर आपको फेस करने को मिल रही हैं। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर अगर आप बार बार देखते हो लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।